फ्रेंड्स, स्वरा स्वीट डिलाइट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन रेसिपी ले आई हूँ, जो है क्रिसमस केक या हेल्दी फ्रूट केक, जिसे हमने बनाया है गेहूं के आटे से और गुड़ डाला है हमने इसमें। हमने इसमें चीनी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है और बिना ओवन के हमने बनाया है, बिना अंडे के। तो चलो देखें ये आसान सी रेसिपी। सबसे पहले हम सामग्री देख लेंगे। यहाँ पे है टूटी फ्रूटी, ये मैंने करीबन 4 टेबलस्पून लिया है। यहाँ पे है काले किशमिश या मुनक्के, और ये मैंने लिए है 2 टेबलस्पून। इसे मैंने काट लिया है बारीक और ये सीडलेस है। यहाँ पे है किशमिश, ये मैंने 1 टेबलस्पून लिया है, इसे भी मैंने काट लिया है छोटे टुकड़ों में। फिर काजू है 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून बादाम के टुकड़े हैं, और ये है खजूर, इसे भी मैंने काट लिया है, ये 2 टेबलस्पून है। और यहाँ पे मैंने नींबू का छिलका जो रहता है, उसे मैंने नींबू को मैंने कस लिया है, जो उसका येलो पार्ट है वो मैंने लिया है 1/4 चम्मच। और आप ध्यान रखें कि उस येलो में वो वाइट जो छिलके का पार्ट है वो नहीं आना चाहिए, अगर वो आया तो आपका केक कड़वा बन। यहाँ नींबू के बदले आप संतरे का भी छिलके का इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे हमने लिया है संतरे का जूस। सबसे पहले हम ये संतरे का जूस इसमें डालेंगे और इसी में हम ये सारे ड्राई फ्रूट्स और बाकी सामग्री इसमें डाल देंगे, टूटी फ्रूटी वगैरह। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम 1 से 2 घंटे के लिए इसे भिगो के रख देंगे। अब जितना ज़्यादा इसे भिगोएंगे उतना अच्छा इसका स्वाद आएगा और ये रस इन सारे ड्राई फ्रूट्स में अच्छे से। आज ये केक हम हेल्दी बनाने वाले हैं, इसलिए मैं मैदा नहीं इस्तेमाल करूँगी, आज हम गेहूं के आटे का इस्तेमाल करेंगे। ये 1 कप गेहूं का आटा लिया है, ये है कॉर्नफ्लावर 2 टेबलस्पून, यहाँ है कोको पाउडर, कोको पाउडर मैंने 1 टेबलस्पून लिया है, 1 टीस्पून लिया है हमने बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून हमने बेकिंग सोडा लिया है। यहाँ पे है इलायची का पाउडर 1/4 चम्मच, ये है दालचीनी का पाउडर 1/4 चम्मच, और ये है अदरक का रस, ये भी 1/4 चम्मच है। अगर आपको अदरक का पाउडर मिल जाए तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, इससे इस केक का स्वाद बहुत अच्छा आएगा। और सारी सामग्री इंग्रेडिएंट्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप एक बार चेक कर सकते हो। यहाँ हमने लिया है गुड़, जैसे मैंने पहले कहा था हम इसे थोड़ा हेल्दी बनाने वाले हैं, इसलिए मैं चीनी का इस्तेमाल नहीं करूँगी। ये गुड़ है 1/4 कप और ये मैंने ऑर्गेनिक गुड़ लिया है, इसलिए थोड़ा डार्क दिख रहा है, आप चाहो तो नॉर्मल गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर यहाँ है विनेगर, विनेगर मैंने 1/2 चम्मच लिया है। यहाँ है वेनिला एसेंस, ये भी 1/2 चम्मच है, 1/2 टीस्पून। फिर यहाँ है पिघला हुआ मक्खन, पिघला हुआ मक्खन मैंने ये सॉल्टेड वाला लिया है, आप अनसॉल्टेड भी ले सकते हो, ये 1/4 कप है। फिर यहाँ मैंने लिया है दूध, ये भी 1/4 कप है, और पानी है 1/4 कप। सबसे पहले हम गुड़ को पिघला लेंगे, इसके लिए मैं एक पैन में 1/4 कप पानी डालूंगी, उसी में हम डालेंगे ये गुड़ और इसे हम अच्छे से पिघलाएंगे। आप यहाँ देख सकते हो गुड़ हमारा अच्छे से पिघल गया है और इसे अब हम ठंडा कर लेंगे और छान लेंगे। यहाँ पे हमने दूध लिया है, दूध में मैं ये विनेगर डालूंगी और विनेगर डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे दूध हमारा फट जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो दूध फटना चालू हुआ है और इसे अब हम 2 से 3 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। यहाँ दूध और विनेगर के अलावा आप छाछ का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप 1/4 कप छाछ इस रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है, भगोना एल्युमिनियम का, उसमें मैंने रिंग रखी है और इसी में आज हम ये प्लम केक बेक करने वाले हैं। आप चाहो तो कुकर का इस्तेमाल भी कर सकते हो या बड़ी सी कढ़ाई आप ले सकते हो।
और जैसे हम ओवन को प्रीहीट करते हैं उसी तरह हम इस भगोने को प्रीहीट करेंगे। इस पर हम ढक्कन रख देंगे और हाई फ्लेम पे हम 10 मिनट के लिए इसे प्रीहीट करेंगे। इसमें हम डालेंगे ये गुड़ का पानी, इसे मैंने छान लिया था। फिर हम इसमें मिलाएंगे ये दही और विनेगर का मिश्रण, और साथ ही में हम इसमें मिलाएंगे ये पिघला हुआ मक्खन। मक्खन के बदले आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर मक्खन से ये केक बहुत ही रिच लगता है, फ्लेवर में बहुत अच्छा लगता है इसका स्वाद। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम मिलाएंगे ये वेनिला एसेंस और ये तीन चीज़ें जो इसमें स्वाद बढ़ाएगी। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास चेरी के कुछ टुकड़े हैं जिसे मैं स्टार्टिंग में भूल गई थी, तो आप जब संतरे के रस में इसे भिगोगे उस टाइम में आपको ये डालना है। मैं अब डाल रही हूँ। सबसे पहले इसमें मैं डालूँगी गेहूँ का आटा, फिर हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर, और फिर हम डालेंगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और ये कोको पाउडर, और इन सभी चीज़ों को हम छान लेंगे। हमने इसमें सारी चीज़ें छान ली हैं और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक घोल तैयार कर लेंगे, एक बैटर बना लेंगे केक का। या केक का मिश्रण देख सकते हो, ज़्यादा पतला नहीं बनाया है हमने, बिल्कुल ऐसा है। और इसे हमें ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक केक टिन रेडी किया है, ये 6 इंचेस का है। इसे मैंने बटर लगा के ग्रीस किया है और फिर थोड़ा आटा हमने इस पे छिड़का है और इसे रेडी किया है। इसमें अब हम हमारा ये बैटर डालेंगे। हमने इसमें सारा बैटर डाला है और अच्छे से मैंने इसे लेवल किया है, और हल्के से हम इसे टैप करेंगे जिससे अगर कोई एयर बबल इसमें होंगे तो निकल जाएंगे। और ऊपर से हम इस हमारा ये प्लम केक बेक करने के लिए तैयार है। इसे थोड़े काजू से सजाएंगे। हमारा भगोना भी अच्छे से गर्म हो गया है और इसे अब हम खोलेंगे और इसमें हम इस केक की टिन को रख देंगे। हम इसे आधे घंटे के लिए बेक करेंगे और गैस की फ्लेम हम बहुत ही धीमी रखेंगे। और अगर आप चाहो तो आप इसे ओवन में भी कर सकते हो 180 डिग्री पर 30 से 40 मिनट के लिए। आधा घंटा हो गया है और हमने ओपन करके देखा है, पर ये अभी भी थोड़ा सॉफ्ट है। इसे हम और थोड़ी देर बेक होने देंगे, एक 15 मिनट और हम इसे बेक कर लेंगे। हमारा प्लम केक तैयार है और एक बार मैं आपको नाइफ इंसर्ट करके बता रही हूँ, नाइफ क्लीन आई है। और इसे बेक करने के लिए मुझे टोटल 50 मिनट्स लगे हैं, तो अब हम इसे निकाल के ठंडा कर लेंगे। हमारा हेल्दी प्लम केक या क्रिसमस फ्रूट केक तैयार है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही आसान है, टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत ही सिंपल है बनाने के लिए। तो इस क्रिसमस पे या न्यू ईयर पे आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए आपको रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक क्लिक करें।